सब्सक्राइब कीजिए ऑल राउंडर अमित शाक्या चैनल को और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि IMO बाजार एप्लीकेशन में आपको यहां पे अपनी KYC कैसे करनी है। तो यहां पे दोस्तों मैंने IMO बाजार को इंस्टॉल कर लिया है एंड वहां पे कुछ लोगों को ज्वाइन भी किया है। तो मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं कि मेरे यहां पे लगभग 40-50 रुपये होने वाले हैं। यहां पे आप देख सकते हैं मेरे यहां पे 60 रुपये होने वाले हैं। अभी मेरे कुछ ही टाइम पहले यहां पे 40-50 रुपये थे एंड यहां पे अब मेरे 60 रुपये होने वाले हैं। तो यहां पे जैसे ही आपके 100 रुपये हो जाते हैं आप यहां पे अपना विड्रॉल लगा सकते हैं एंड कंपनी यहां पे वीकली आपको वीक में एक बार यहां पे पेमेंट भी कर देती है। तो वो पेमेंट आपको बाई NEFT के थ्रू कंपनी करती है, यानी कि आप यहां पे जो भी विड्रॉल करते हैं वो आपको बाई NEFT कंपनी के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो विड्रॉल लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहां पे अपनी KYC करनी होगी एंड KYC आपको कैसे करनी है इस बारे में मैं यहां पे आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पे अपनी इस यहां पे आपको जो नेम दिखाई दे रहा है आप यहां पे व्यू एंड एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे एंड यहां पे आपको ये भी आपको कैसे निकालना है इसके बारे में आप यहां पे देख सकते हैं। ये यहां पे जो लोगो दिखाई दे रहा है आपका, यहां पे डिस्ट्रिक्ट एंड आपकी सिटी दिखाई दे रही है, यहां पे आपको लोगो दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको क्लिक करना है एंड जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों आपको यहां पे व्यू एंड एडिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहां पे व्यू एंड एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे अपनी जो डिटेल्स हैं वो यहां पे फिल कर लेनी है। यहां पे आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि यहां पे साफ साफ नोट में लिखा हुआ है कि एक बार आप यहां पे अपनी जो डिटेल है वो सेव कर देते हैं उसके बाद आप यहां पे उसको दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी सही डिटेल ही डालनी है एंड आप जब पूरी तरीके से श्योर हो जाएं कि आपकी सारी डिटेल यहाँ पे सही हैं उसके बाद ही आप यहाँ पे उसको सेव करें। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स हैं वो डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अपनी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे सेव सबमिट कर लिया है, यानी कि जो एक ऑप्शन है हमारा यहाँ पे प्रोफाइल का उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है एंड यहाँ पे मैं जैसे ही सेव करूँगा तो यहाँ पे इंटर योर लास्ट नेम भी दिखाई दे रहा है। तो यानी कि मुझे यहाँ से अपना जो कुमार है वो हटाना पड़ेगा एंड यहाँ पर मुझे कुमार डालना पड़ेगा। अब मेरा यहाँ पर जो ये प्रोफाइल है वो क्लियर हो चुका है एंड मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे सेव हो चुका है, यानी कि मुझे यहाँ पे ऊपर टोटल दिखने लगा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है बैंक डिटेल्स का ऑप्शन। तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स में मैं जैसे ही एडिट करता हूँ तो यहाँ पर आपको अपना यहाँ पे IFSC कोड, यहाँ पे बैंक का ब्रांच नेम एंड यहाँ पे बैंक नेम, इसके अलावा यहाँ पे अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर यानी कि दोबारा से आपका वही बैंक अकाउंट नंबर एंड यहाँ पे आपकी बैंक पासबुक की जो मेन पेज होता है यानी कि फ्रंट वाला जो पेज होता है जिस पे आपकी फ़ोटो वगैरह एंड बैंक की डिटेल्स लिखी हुई होती हैं उसको आप उसका फ़ोटो खींच के आपको साफ साफ फ़ोटो खींच के यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो मैं ये यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स भी है वो फिल कर लिया है एंड इसको भी मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव हो चुका है एंड अब मैं यहाँ पे अपना KYC डिटेल है यानी कि अपना आधार नंबर और आधार का डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो इस पर मैं एडिट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे अपना आधार नंबर एंड अपना जो आधार का डॉक्यूमेंट है यानी कि फ़ोटो यहाँ पे खींच के अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना आधार कार्ड एंड यहाँ पे अपना पैन डिटेल भी यहाँ पे सबमिट कर दिया है एंड उसकी फ़ोटो भी अपलोड कर दी है एंड जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो यहाँ पे मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारी KYC सबमिट हो जाएगी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर बैंक वेरिफिकेशन विल बी डन विद इन 7 डेज, यानी कि इसको वेरीफाई होने में लगभग एक वीक का समय लग जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे IMO बाजार में अपना विड्रॉल अपने बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। ओके दोस्तों थैंक यू, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड दोस्तों अगर आपको ऐसी ही और भी वीडियो चाहिए एंड MLM से रिलेटेड या फिर
ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड घंटी के आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।